एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और आज हम फिर से जा रहे हैं एक और मंदिर का रिसर्च करने, तो चलते हैं। हमारे फ्रेंड हैं, आपने इनको पहले देखा है, ध्यान से इस मुंह को देख लीजिए। आपने इनको पहले भी देखा है हमारे फर्स्ट वीडियो में, और जिसने नहीं देखा है जल्दी से आई आइकन पे जाके हमारा फर्स्ट व्लॉग देख लो। हैशटैग बनारस टूर का ये थर्ड वीडियो आ रहा है, तो अब हम जा रहे हैं। हम लोग रास्ते में कितना टाइम लगेगा यहाँ से जाने में? 15-20 मिनट। एक बोल रहे 15-20 मिनट, एक बोल रहे 10 मिनट। इनकी स्पीड से 15-20 मिनट लग रहा है। और अब हम आ गए हैं घाट के पास। अब हमें सीध, तो हम लोग घाट पे आ चुके हैं। अब हम घाट के रास्ते से जाएंगे। किस घाट पे जाएंगे? मणिकर्णिका घाट। और ये बन चुके हैं धड़क के हीरो। तो हम जा रहे हैं, और आप देख सकते हो वो वाराणसी ने कितना खर्चा किया स्टील का डब्बा लेकर। बच्चा मंदिर में बहुत सारे लोग, मतलब हुए थे, लोगों को दिखते हैं, लोग समझ में आया, तो वो तब मंदिर में लोग दिखते हैं। ये लोग मुझे डरा रहे हैं यार, सच कह रहे हैं, मजाक नहीं, एकदम सीरियस। सच्चे में किसकी कसम खाए? बोलो, कसम खाने को भी तैयार हूँ। तो फिर इसी की कसम खाओ, झूठ होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हाथ रखने से कसम थोड़ी, इसकी कसम ऐसे बोलो। चलो चलते हैं। चलो अब कि भाई बड़ी नहीं यार, डराया नहीं करो। अरे उतरो, तुम यहीं से सीढ़ी उतारी थी, सीढ़ी के ऊपर खड़े हो गए, पूरा बात बता दे। जैसा कि आप देख सकते हैं मंदिर का व्यू। मैं इससे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो लोग मना कर रहे हैं, मैं नहीं डरता। और ये है हमारे गंगा का व्यू। उधर आगे लोगों को जलाया जाता है एक्चुअली, मतलब जब डेथ हो जाती है उसके बाद। तो अब ये बताएंगे कि कहाँ पे लोगों को मतलब रहने के बाद वो वहाँ उस तरफ है, वो जगह वो उस तरफ है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुत्ते भौंके रहते, इसलिए मैं गई नहीं। ये गई नहीं, और इसलिए वहाँ मतलब लड़की और तो महिलाओं को जाना मना है। यहाँ पे भी तभी आई है, तुम लोगों को ब्लॉक शूट करना था कहते हैं, इसलिए उन पर चढ़ जाते हैं, इसलिए कि मैं नाम को नहीं आना चाहिए। सच कह रहा हूँ, चल। अब उसको रोना आ रहा है। यहाँ पे कुछ दिखाना है यार, ये फ्यूचर में बना है मंदिर। फ्यूचर में बना है 2042 विक्रम संवत, जानते हो ना? क्या 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 संवत? मतलब कि विक्रम संवत, विक्रम संवत। फ्यूचर में नहीं बना है वो, उसमें जितना माइनस करोगे तो भी बहुत पहले का टाइम आ जाएगा। अरे यार वो नहीं कह रहे, विक्रम संवत समझते हो हम लोग का जो कैलेंडर होता है, हम लोग तो अंग्रेजों के कैलेंडर से चले ना 2000, ये तो हम लोग का बहुत फ्यूचर है, आगे है बहुत सारा हम लोग का।
तो ये वाई 2042 में बना है, उसमें खुद लिखा हुआ है, और वो भी हम ही लोग का कलयुग अक्षय तृतीया को बनाया है। हम लोग 95 ईयर्स पीछे चलते हैं। हाँ 95-96 ईयर्स पीछे चलते हैं। अंग्रेज ये लोग डॉगी को पूछ रहे हैं कि क्यों मरना चाहता है। हाँ ये है वो टेढ़ा मंदिर जो जैसा आप देख सकते हैं ये टेढ़ा हो गया है, मतलब अंदर आधा जमीन के अंदर धस चुका है। तो अब हम किसी न किसी यहाँ से यहाँ पे पूछेंगे कि ये ऐसे कैसे हुआ, टेढ़ा क्यों हुआ। और यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे बहुत लोग मर भी गए थे, मतलब जिस टाइम ये हुआ था। और इसमें काफी लोग रात को दिखाई भी देते हैं मरने के। रात को नहीं, हम भी नहीं है देखा है। देखो कोमल को हाथ मारेंगे तो आर पार हो जाएगा। नहीं होगा, मरना मत, मरना मत। अरे बाप रे बाप, मरना मत, हाथ आर पार नहीं करना, मरना मत। भूत भूत भाग 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 लेगी। आपको हम दिखा सकते, देखिए इसके अंदर भूत है, हाथ निकल गया। अरे बाप रे बाप, इसको कहते हैं बेइज्जती। बहुत ही वाहियात जोक था। अब हम चलते हैं तेरे मंदिर की ओर। यार आप लोग, तुम लोग मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे हो? चल रहे हो, मेरे को अकेले अकेले छोड़ दे रहे हो। ये तो फोटो अपने में। तो हम जा रहे हैं किसी ऐसे इंसान के पास जिससे इस जगह के बारे में मालूम हो, उस मंदिर के बारे में। की इसका नाम रत्नेश्वर मंदिर। अच्छा, रत्नेश्वर, रत्नेश्वर मंदिर। उस मंदिर को किसने बनाया है? वो अहिल्या बाई के एक दासी कलकत्ता में रहते थे, उसका नाम था रत्ना। अच्छा। उसने मंदिर को बनाया। अच्छा। मंदिर के निर्माण होने के बाद मंदिर निर्माण हुआ तो उसका लड़का कहता है कि हम माँ के ऋणे से उत्तीर्ण हुए। जब वह इसने ये कहा कि माँ के ऋणे से उत्तीर्ण हुए, उसी से मंदिर टिका। क्या क्या मतलब माँ के ऋण से उत्तीर्ण हुए? अच्छा, तो वो मंदिर टेढ़ा हो गया कि कर्ज से हम छुटकारा हुआ माँ के कर्ज से। अच्छा, तो तभी वो मंदिर टेढ़ा हो गया। अच्छा, और उसको कभी मतलब बनाने की कोशिश नहीं की गई? नहीं, पूरा दो सीधा कभी मतलब उस पे कुछ बना वर्क करने की, वो सीधा हो जाए कि वापस लोग उस। नहीं नहीं नहीं, उसका पे कोई प्रयास किसी का काम करे। पूरा एरिया कितना दूर तक देख रहे हैं आप, टेढ़ा हुआ है। हाँ, है ना। हाँ। तो पूरा एरिया का एरिया टेढ़ा हो गया है ना, वो तो असंभव है। तो अब हम उस मंदिर के बारे में सब कुछ जान चुके हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि वो मंदिर किसने बनाया, ये वो टेढ़ा कब हुआ, किस रीजन की वजह से हुआ। तो ये सारी बातें आपको पता चल चुकी हैं। अब हम अगली बार फिर से एक न्यू व्लॉग के साथ आएंगे, बट जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगला वीडियो एक हॉन्टेड वीडियो होने वाला है। और वो हम तो बता दे रहे आपको कि हम लोग कहाँ करने वाले हैं। यहाँ पे बनारस में एक राजघाट ब्रिज है जिसको हॉन्टेड माना जाता है, वहाँ पे हम लोग भाग जाएंगे। हाँ। वो भी शाम के समय, और वो भी शाम के समय। और वहाँ पे कई लोग, वहाँ पे बहुत सालों पहले का काशी स्टेशन है, हम वो भी आपको दिखाएंगे। तो अब आपको ये एक हिंट हम दे देते हैं कि वो हॉन्टेड इसलिए है क्योंकि वहाँ पे बहुत से लोग सुसाइड कर चुके हैं, और बहुत लोगों को मतलब दिखा भी है वहाँ पे, और रात को ज़्यादातर दिखता है। तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे, और रात ज़्यादा भी नहीं, 6:30 बजे के आसपास ही होता है ये सब पार्ट। तो हम लोग उसी टाइम, हम उसी टाइम पे जाएंगे। तो हम मिलते हैं अगले एक हॉन्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन उससे पहले अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब करो, और लाइक तो कर ही देना, और कमेंट भी कर दो कैसी लगी। साइड में मेरी ज्ञानशाला का लोगो आ गया होगा, उसे भी प्लीज सब्सक्राइब कर देना। यहाँ